करेंगे, हम एक यूनिट को 4 से 5 दिन में कवर करेंगे। आपको कोई भी ज्ञानी आके बोल दे या कोई भी बहुत अच्छा आपका शुभचिंतक आके ऐसा बोल दे कि 3 महीने में तैयारी करके, हो सकता है, अब मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है। बाकी यू शुड नॉट ज्वाइन दिस कोर्स इफ यू, इसमें बोलते हैं कि PYQs काफी है, मतलब सिर्फ PYQ अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो सब कुछ हो जाएगा। तो आप काम तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एग्जाम के बारे में सोच सोच के बस परेशान हो जा रहे हो कि अरे यार 26 27 28 डेट दे दी है, अक्टूबर शुरू हो चुका है, अब कैसे करेंगे, इतना कम समय बचा है। तो भैया एक प्लान के साथ में काम करना शुरू कर दो। तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि आप पिछले 3 4 5 साल के PYQ कर लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से दिस बट इट विल नॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिटॉक्स बायोलॉजी एंड योर सब्जेक्ट इज लाइफ साइंस। देन दिस वीडियो कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग JRF और एलिजिबिलिटी बाय मिनिमम 50% मिनिमम, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली इसमें मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा विच विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसिस एंड द मेंटोरशिप विद द डिफरेंट टॉपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट कि भैया ये सारी कहानी क्या है, मतलब सम मिथ्स रिलेटेड टू योर CSI नेट प्रेपरेशन एंड ऑल्सो विल बी डिबंकिंग दैम। उसके अलावा आप इस चैनल पे रिलाई क्यों कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन एक नया एजुकेटर, सो कॉल्ड एजुकेटर और नए नए लोग आ जाते हैं और वो अपना खुद का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो वाई दिस चैनल कैन बी नॉट करेक्ट आई वुड से बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियंस बट हैव दी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई विल बी शोइंग समथिंग अबाउट मी दैट हाउ यू कैन रिलाई ऑन मी एंड द चैनल, ठीक है। थर्ड पॉइंट विल बी द मिस्टेक्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड एट एनी कॉस्ट बिकॉज दिस विल कॉस्ट यू एंड अनदर अटेम्प्ट, ठीक है। तो अगर आप इस मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको इस अटेम्प्ट की बजाय दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट तक जाना पड़ सकता है सिलेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड लास्टली अबाउट द फ्री कोर्स ऑफ 60 डेज दैट वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग ऑन 5th of October, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of October। सो उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि हाउ द कोर्स विल बी डिजाइंड एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिगनर। जो कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है CSIR का, या जस्ट वो MSc में है एंड ही और शी इज प्लानिंग टू गिव द एग्जाम, उसके लिए वो कैसे फायदेमंद हो सकता है। एंड एडवांस एस्पायरेंट्स, एडवांस मतलब जिन्होंने अभी तक एक दो बार एग्जाम लिख लिया है बट किसी कारण से 2-3 नंबर से रह जाना, या वो बहुत पास में जाके कट ऑफ से बिल्कुल रह जा रहे हैं, या LS क्लियर हो रहा है, JRF नहीं मिल रहा है and they want to pursue research as their career option, okay? So the whole idea of the video will be how to plan for the next 90 days and also I will be including some points of the free crash course of the 60 days, okay? Let's start. Okay, first thing, so there are some myths which is related to the exam, and myths jo hote hain wo bina matlab hi exam ko bahut hi zyada hazy bana dete hain, like aapko samajh mein nahi aata ki actually baat kis bare mein ki ja rahi hai, hum sahi ja bhi rahe hain ya nahi ja rahe hain। जिसमें से पहला मिथ जो मुझे यूजुअली लगता है और जो आपके मन में डेफिनेटली होगा अभी, कि आर 90 डेज आर इनफ, क्या 3 महीने इनफ है? तो इसका डायरेक्ट आंसर तो ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, यू हैव नो आइडिया अबाउट कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 सेक्शंस कैसे होते हैं, सेक्शन ए में कितनी प्रिपरेशन लगती है, या किस तरह का एप्टीट्यूड वो मांगते हैं, सी को पढ़ने के क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, बी के क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर ये सारी बेसिक नॉलेज आपको नहीं है एंड इफ़ यू आर जस्ट एब्सोल्यूट बिगनर देन डेफिनेटली आई हैव टू से दिस बट नो, 3 महीने सफिशिएंट नहीं है, है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी ज्ञानी आके बोल दे या कोई भी बहुत अच्छा आपका शुभचिंतक आके ऐसा बोल दे कि 3 महीने में तैयारी करके हो सकता है, अब मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है, बाकियों को लगता होगा तो मेरा उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि हो सकता है बिकॉज आपको मिनिमम 6 मंथ्स की प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। बट या अगर आप कोई एडवांस एस्पायरेंट है, आप पहले एग्जाम दे चुके हो, आपकी कुछ चीज़ें क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर है, कुछ यूनिट्स में आपको और तैयारी की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली आज से भी ढंग से तैयारी शुरू करते हो तो आप रोज अगर 6 से 8 घंटे डिवोट करते हो तो आसानी से विदाउट एनी एक्सट्रीम एफर्ट्स आपको आसानी से ये सिलेक्शन लिया जा सकता है, इतना भी टफ एग्जाम नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे दूसरा मिथ जो होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि कंपाइल्ड बुक्स पढ़ लो आप और कंपाइल्ड बुक्स पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिगेस्ट मिथ, विदाउट रीडिंग डेडिकेटेड सोर्सेज फॉर सम पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ CSIR नेट सिलेबस स्पेसिफिकली इन लाइफ साइंस,
आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट बिकॉज आई एक्सपर्टाइज इन लाइफ साइंस, तो मुझे नहीं लगता कि कंपाइल बुक से सिर्फ हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है आजकल पेपर में जो डायरेक्टली या तो रिसर्च पेपर से होती है, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि रिसर्च पेपर भी पढ़ना है, मैं आऊँगा उसके नीचे नेक्स्ट एक दो मिनट के बाद वही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि कंपाइल्ड बुक्स जो है वो रिविजन का तो बहुत अच्छी सोर्स है, अब अलग अलग तरह की किताबें आती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्लीज़ बिलीव मी मतलब आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, आई हैव मेंटर्ड मोर देन 50 स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एंड आई हैव माई सेल्फ क्लियर्ड 4 times JRF, सो इट्स नॉट समथिंग के मैं बहुत हवा में बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ देखने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बिलीव मी कंपाइल्ड बुक्स से नहीं होता सिलेक्शन, बहुत ही रेयर चांसेस में कभी ऐसे नॉर्मल पेपर आ गया और निकल गया तो पता लगे, वरना यू हैव टू रीड सम ऑथेंटिक सोर्सेज। दूसरी चीज़ कुछ, अब ये भी बहुत ज़्यादा चलता है सोशल मीडिया पे, कुछ यूनिट्स जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ईजी होती है बाकी यूनिट्स के, बिगेस्ट मिथ अगेन, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना तो कोई यूनिट ईजी है ना कोई यूनिट टफ है। अगर एक बंदा है जिसने बॉटनी में मास्टर्स किया है तो उसके लिए प्लांट फिजियोलॉजी ऑब्वियसली ईजी पड़ेगा और एनिमल डेवलपमेंट एनिमल फिजियोलॉजी टफ ही पढ़ने वाला है। वहीं पे अगर कोई बायोटेक स्टूडेंट है जिसने बायोटेक में मास्टर्स किया है तो उसके लिए ऑब्वियसली प्लांट फिजियोलॉजी टफ हो जाएगा, उसको केल्विन साइकिल में दिक्कत आ सकती है, उसको C4 C3 कन्फ्यूजन लग सकता है, फोटो रेस्पिरेशन समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि प्लांट फिजियो ईजी है या टफ है। तो इसलिए इस चीज़ को समझो कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग यूनिट्स डिफर करती है। दूसरी चीज़, हर एक यूनिट बराबर ही पूछी जाती है, मतलब आई डोंट नो वाई पीपल प्रमोट दिस थिंग, क्योंकि उनको दूसरी यूनिट या तो पढ़ाने नहीं आती है या जो भी है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को वो हवा बना देते हैं कि भैया सेल बायो पढ़ लो, मूल बायो पढ़ लो, इधर से क्लासिकल यूनिट की बात करें तो इकोलॉजी एवोल्यूशन पढ़ लो, उसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, करके देख लो एक अटेम्प्ट के बाद तुमको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़, सारी यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, एवरी यूनिट हैव इक्वल वेटेज, 13 के 13 यूनिट सभी इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि 13 के 13 पढ़ना है, इस चीज़ को समझो, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस कवर करना है, बट सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई यूनिट छोड़ रहे हो और उसकी वजह दूसरी तैयार कर रहे हो तो इसका ये मतलब मत समझो कि किसी को सुन के यार एवोल्यूशन तुमसे नहीं समझता है, नहीं मजा आता पढ़ने में, बट बिना फिर भी उसको रगड़े ही जा रहे हो क्योंकि उसने बोल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो यूनिट सही लगती है, अभी हम आएंगे कितनी यूनिट पर ज़रूरत है, एटलीस्ट 8 units मिनिमम है, और अगर आप अभी के टाइम देखा जाए तो 10 units आपको टारगेट करना ही करना है, अगर इतना आप कर लेते हो आपकी मनपसंद यूनिट आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। तीसरी बात है, फिर बात करते हैं अगली मिथ की, इज देयर एनी नीड ऑफ रीडिंग रिसर्च पेपर एंड हैविली लोडेड इंटेलेक्चुअल पब्लिकेशंस लाइक NCBI या आपका ये PubMed हो गया या PNAS हो गया, देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट रिसर्च पेपर, नेचर वो पब्लिशेज डिफरेंट रिसर्चेज, और डेफिनेटली देर आर क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में तो आने लगे हैं, पिछले 3-4 सालों में काफ़ी क्वेश्चंस रिसर्च पेपर से भी आते हैं, बट वो इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमको हर एक टॉपिक पे रिसर्च पेपर निकाल के बैठ जाना है, हर एक टॉपिक पे हजारों रिसर्च पेपर कैसे पढ़ोगे उनको, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। तो करना क्या है फिर, जो फाउंडेशन है हर एक चीज़ का, एक फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन पे आपको काम करना है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन आए भी तो आप उसको लॉजिकली गैस लेके भी सही करने की जहाँ तक पहुँच सको, गेटिंग इट। तो रिसर्च पेपर पढ़ने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्टली डेली टेस्ट दो भैया, ऐसा लोग बोलते हैं कि आपको डेली टेस्ट देना चाहिए, अब डेली टेस्ट तभी इंपॉर्टेंट है जब आपका वो टॉपिक कवर हो चुका है, आपने सिलेबस वाइज उस टॉपिक को कवर कर लिया है, उसके बाद जब आप डेली टेस्ट देते हो ना तो वो काम करता है, वरना आपने कुछ पढ़ा नहीं है और आप टेस्ट में जा रहे हो, नेगेटिव इमोशंस आएंगे। और तो इस वजह से अगर आप टेस्ट दे भी रहे हो तो पहले उस सिलेबस को कवर करो और उसके बाद उसका टेस्ट दो, एंड आफ्टरवर्ड्स एक यूनिट एक मिथ और चलता है जिसमें बोलते हैं कि PYQs काफ़ी है, मतलब सिर्फ PYQ अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे हंसी आती है सुन के, लिटरली हंसी आती है, PYQs वापस रिपीट नहीं होते हैं, यू माइट बी शॉक व्हाट आई एम सेइंग, सब तो बोलते हैं रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। तो आपको जब PYQ सॉल्व करना है ना, तो PYQ सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, PYQ सॉल्व कैसे करते हैं उस पर एक अलग सेशन रिकॉर्ड करेंगे, बट द पॉइंट इज जब आप PYQ सॉल्व करते हो तो आपका मोटिव होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, नॉट टू गेट इनटू द एक्चुअल करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, गेटिंग इट। एक अलग सेशन में बात करेंगे इसके ऊपर, अब ये बिना मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो, लेट्स मूव ऑन। तो ये कुछ मिथ्स हैं, आपको इस बारे में ध्यान रखना है, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द 90 डेज प्रिपरेशन, जो कि आप 90 डेज बचे भी नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे मिथ्स हैं, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नाउ
दिस इज अबाउट मी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड। तो मैं 2011 से ढंग से थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ, जब से मैंने नीट की तैयारी शुरू करी थी, उसके बाद में ये सारी एग्जाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई करी हैं और ठीक ठाक रैंक से क्वालिफाई करी है। बहुत अच्छी रैंक तो नहीं है, बट हाँ इन सब में बहुत खराब रैंक भी नहीं है, मतलब इतनी है कि अच्छी रैंक बोलते हैं उसको, ठीक है, AIR लेवल पे। तो ये कुछ मेरे बारे में है, इट्स जस्ट दैट कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास में ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस मिले, जेन्युइनिटी रहे। आप किसको सुन रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई आजकल अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, एवरीवन प्रमोट्स देम, और फेक प्रमोशन आता है, जैसे पैसा दो और एड खरीद लो और सब कुछ। तो इसी वजह से ये मेरे बारे में है, और आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आप कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर देते हो तो आपका यही अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट सिलेक्टेड अटेम्प्ट बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मिस्टेक करी, मिस्टेक्स में मिस्टेक कर दी, तो फिर आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। पहली मिस्टेक, जस्ट टेकिंग स्ट्रेस और पैनिक अटैक में जस्ट वाइल थिंकिंग अबाउट द एग्जाम बट नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो आप काम तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एग्जाम के बारे में सोच सोच के बस परेशान हो जा रहे हो कि अरे यार 26 27 28 डेट दे दी है, अक्टूबर शुरू हो चुका है, अब कैसे करेंगे, इतना कम समय बचा है। तो भैया एक प्लान के साथ में काम करना शुरू कर दो, अल्टीमेटली जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी रिविजन, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी नोट मेकिंग, विदाउट एनी एक्टिव रिकॉल, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल, राइट। तो प्रिपरेशन, लाइक आपने शायद ये कोर्ट सुना भी होगा कि बाय फेलिंग इन प्रिपरेशन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, ठीक है। आई डोंट नो किसका कोर्ट है, बहुत फेमस कोर्ट है। लेकिन तो अगर आप प्रिपरेशन में फेल कर रहे हो तो आप फेल होने की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल। दूसरा मिस्टेक जो यहाँ पे होता है कि कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है अभी तक आपके पास। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, दिस शुड बी योर लास्ट वीडियो फॉर द स्ट्रेटजी इफ यू आर सिंसियर अबाउट दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट ऑफ डिसंबर 2023। जमाने भर की स्ट्रेटजी वीडियोस देख लोगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ बस कचरा भराता जाएगा, इंप्लीमेंटेशन कुछ होगा नहीं, कोई लेना देना नहीं इस मतलब का। 5-7 साल ऐसे ही देखते रहोगे वीडियोस, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दिस शुड बी द लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो फॉर द डिसंबर 2023। यू आर ऑलरेडी लेट, अ लॉट लेट, नॉट सिंपल थोड़ा बड़ा लेट, नहीं बहुत लेट हो चुके हो। तो एक कॉन्क्रीट प्लान अगर आपके पास नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको नेक्स्ट 3 महीने का एक ढंग का प्लान बनाना चाहिए, और कोई यूनिट सिलेक्शन आपके अभी तक भी नहीं है तो बहुत बुरी बात है भैया। ये आपके यूनिट अभी तक तो सिलेक्टेड के आधा सिलेबस तैयार हो चुका होना चाहिए, एक आइडियल प्रिपरेशन के हिसाब से अभी 5 यूनिट आपके तैयार हो चुके, खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। बट अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट 2 या 3 यूनिट तो आपने तैयार कर ही ली होगी, नहीं करिए तो भैया बहुत मेहनत करने की जरूरत है, करते रहो। तो ये एक दूसरी मिस्टेक है। फिर रैंडम यूट्यूब वीडियोज देख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भैया ये तो हमारी तैयारी है, किसी का भी कुछ भी वीडियो उठा के देख लिया और उसको बोल दिया कि अरे ये PY की सॉल्व करवा रहे, चलो इसको देख लो। अरे वो सॉल्व करवा रहा है यार, तुम तो करो अपना काम, पहले तैयारी तो करो, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो तो सही, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो समझो, एप्लीकेशन तो समझो, फिर PYQ पे जाना। बट लोगों को लगता है कि PYQ की वीडियो देख लिए तो बस वही प्रिपरेशन। फिर इसी वजह से 80,000 लोग फॉर्म भरते हैं और 500 ही सिलेक्ट होते हैं, 79,500 डज नॉट गेट सिलेक्शन एंड दे विल नॉट गेट सिलेक्शन। तो बट पॉइंट इज, रैंडम यूट्यूब वीडियोज कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं करवाने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखो। इस वजह से मैं यही चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि प्लीज डू द इम्प्लीमेंटेशन, प्लीज डू द एक्चुअल वर्क, खुद काम करो। आफ्टरवर्ड्स दूसरी चौथी मिस्टेक जो है, मॉक्स तो देंगे लेकिन कब, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। कभी ऐसा दिन आएगा ही नहीं जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाए। आपको मॉक्स उसी समय पे देना है जब आपका जो एफिशिएंसी है वो आपको लगे कि बहुत कम है, लेकिन आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। आपके इनपुट्स तो बहुत कम है बट आपको हायर आउटपुट्स लाने पड़ेंगे, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ज्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा, आपको मॉक्स उस स्थिति में देना पड़ेंगे जब आपके सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। लेकिन फिर मॉक्स और डेली टेस्ट में क्या अंतर है, मैंने पीछे भी बोला था कि डेली टेस्ट आपको तब देना चाहिए जब आप उस टॉपिक को पढ़ लो। देखो डेली टेस्ट क्या करते हैं ना, आपको रेगुलर तरीके से एनालाइज करने में मदद करते हैं चीजों को कि आपका ट्रैक सही है नहीं है। लेकिन मॉक्स क्या होते हैं, ओवरऑल पैकेज होता है जो आपको उन चीजों के बारे में बताता है कि चलो अच्छा मैंने ये चीजें नहीं पढ़ी थी बट मैं जो चीजें पढ़ के आया हूँ उनको कैसे रिलेट करके मैं जो नहीं पढ़ा है उसको समझ के उसको सॉल्व कर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ मॉक। तो मॉक देना एक अलग कहानी है, डेली टेस्ट देना एक अलग कहानी है। प्लीज दोनों को इंटररिलेट करके मत समझना कि मैं दो एक बात पे ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। बिकॉज आई नो कि बहुत ज्ञानी लोग आ जाएंगे कॉमेंट में लिखने के लिए कि आप पहले तो बोलते हो कि मत दो टेस्ट, फिर बोल रहे हो दो टेस्ट, क्या कहना क्या चाह रहे हो, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन इट। नाउ द फिफ्थ मिस्टेक, अगेन जो मिथ था कि PYQs आर इनफ। तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि आप पिछले 3-4 5 साल के PYQ कर लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
आई एम सॉरी टू से दिस बट इट विल नॉट बी वर्किंग लाइक दिस, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने जो क्वेश्चंस दे दिए हैं अगर हम वापस वो रिपीट करेंगे तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा। रटे देते हैं यार, आंसर रटे हुए होते हैं बच्चों को भी भाई, क्योंकि मतलब तुम जब मेरे पास में जो बच्चे हैं उनको तो 2021 का 22 का पीवाई क्यों ऐसा यूँ रटा हुआ है, ये क्वेश्चन बोलो सर इसका तो सी है, इसका तो ए है, इसका तो बी है, इसका तो डी है, ऐसे। तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज विल हेल्प, पीवाईक्यू की हेल्प आप कैसे ले सकते हो, टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, जो मैंने पहले बात कही थी माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर कि वो किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न इतना नहीं ड्रास्टिकली बदलता है, ठीक है। छठी मिस्टेक, टॉपर्स के वीडियो देखते रहो बस, और कुछ भी मत करो, कोई इम्प्लीमेंटेशन मत लो, कोई सीख मत लो उनसे, सिर्फ उनके वीडियोस देखते रहो, उनकी सक्सेस में अपनी सक्सेस को ढूंढते रहो, अपना डोपामिन लेवल्स में खेलते रहो, बाद में फिर वापस से रिग्रेट मार के सो जाओ। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यूथ्स डू, है ना, वो बाहर की सोशल मीडिया की लाइफ में इतने ज़्यादा इंग्रोज हो चुके हैं कि उनको एक्चुअल समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। तो इसीलिए टॉपर्स की वीडियो देखो, लेकिन सिर्फ 2 या 3 टॉपर्स, हर एक टॉपर अपनी अपनी वीडियो बनाएगा तो सब देखने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं अपने चैनल पे कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आपको यहाँ आना है, वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये चैनल सब्सक्रिप्शन वगैरह पे मत ध्यान दो अपना, अगर तुमको सच में वैल्यू मिले कहीं से तो सब्सक्राइब करो। कोई भी वीडियो में अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो, मतलब मैं तो सब्सक्रिप्शन अपने ऐसे ही चूज करता हूँ, अगर मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ और अगर मैं उससे नोट्स नहीं बना सकता तो मैं उसको सब्सक्राइब ही नहीं करता, सिंपल। आप भी फॉलो कर सकते हो, अगर ये चैनल आपका टाइम खराब कर रहा है तो इसको भी मत सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ ये तो लास्ट 2 मिस्टेक्स हैं, 99% ऑफ द एस्पायरेंट विल डू इट, बट आई वॉन्ट, क्योंकि आप ये सुन रहे हो इसको ठीक कर लेना। पहली, नॉट स्लीपिंग वेल। स्लीपिंग वेल का मतलब यहाँ पे आर्स से नहीं है, टाइम तो अपनी जगह है ही कि नॉट स्लीपिंग वेल, बट यहाँ पे वेल से मेरा मतलब है डीप स्लीप। आप बहुत ही अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में अगर सोओगे तो आप कभी भी डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे, और इस वजह से आपका पूरा दिन लेथार्जी में रहेगा, आप कभी भी प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद में जो लास्ट मिस्टेक है वो रिलेवेंट टू स्लीप ही है, एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर डाइट। पता नहीं क्या खा रहे हैं, अटरम शटरम मैगी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और फैट के लेवल्स में बहुत बदलाव आ रहा है, इंसुलिन के स्पाइक आए जा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, सिंपल शुगर्स दबा के है डाइट में, उससे होगा क्या, इंसुलिन के स्पाइक्स आएंगे, ग्लूकोज का लेवल सर्ज आएगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर सर्ज, फिर ड्रॉप, हमेशा आपकी बॉडी जो रहेगी वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लम्सी स्टेट में रहेगी। तो प्लीज़ अगर आज तो नहीं लेकिन हफ्ते भर में अगर तुम अपने हैबिट्स में डाइट और स्लीप को भी सुधार लेते हो, ये 2 ही चीज़ें आपकी एफिशिएंसी को मिनिमम 80-90% से चेंज कर देगी, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर ढंग से सुधार लिया तो 100% ही बदल जाएगा कहानी, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट शुरुआत तो धीरे धीरे ही होगी ना। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, आई होप तुम समझ पाए होंगे कि मिस्टेक्स क्या क्या है और किसको किस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द 60-day कोर्स, जिसके लिए तुम यहाँ पे कब से बैठे हुए हो कि भैया बता दो कोर्स, फ्री कोर्स, फ्री कोर्स, तो ये फ्री कोर्स के बारे में सुनो। देखो 60 दिन का प्रोग्राम होगा जैसा कि तुमको ऑलरेडी पता ही है, और ऑब्वियसली ये फ्री होगा, सारा यूट्यूब पे ही होगा, और इसके बारे में 2-3 बातें कर लेते हैं। तो हम भैया 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, आई थिंक पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब सीधा ये है कि 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उस 20% सिलेबस को ही टारगेट करेंगे, है ना। 80% सवाल 20% सिलेबस में से आते हैं, तो 20% सिलेबस हमको ढंग से टारगेट करना है बहुत ही शानदार तरीके से। दूसरी चीज, हमारी एक यूनिक स्ट्रेटेजी है, आई डोंट नो इस वीडियो के बाद यूनिक बचेगी क्या नहीं बचेगी, कॉपी हो सकती है, बट अभी तक तो यूनिक ही है, कि 20 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से बनाने हैं और 20 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से बनाने हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखना एक बात समझना, 100% एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पे। अगर आप 20 क्वेश्चन सेक्शन बी में से बनाते हो तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे 40 नंबर, और सी सेक्शन में 20 क्वेश्चन बनाते हो तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 80 नंबर। और अगर आपका मैथ्स में थोड़ा बहुत हाथ अच्छा है तो आप एप्टीट्यूड में 10-12 नंबर या 15 नंबर तक खींच लेते हो, तो आप आराम से हंसते खेलते 130 के आसपास चले जाओगे, और इस बार का जो टॉपर थी उसके 150 नंबर थे, तो 130 नंबर अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो JRF लाने से तो तुमको कोई नहीं रोक सकता, गेटिंग इट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस वजह से बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जितना काम नहीं है, 20 सवाल सेक्शन बी में इन 20% सिलेबस से आसानी से निकाले जा सकते हैं। बट हियर इज इन कंडीशन, यू हैव टू लिसन टू द लेक्चर्स विद 100% अटेंशन, फोकस एंड डिलीजेंस। आप ये नहीं कर सकते हो कि इधर कुछ चल रहा है, आधा वीडियो देखा छूट गया, चलो नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी,
हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उधर से मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि सिंगल एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है, चाटा पड़ सकता है, ताली नहीं बजती है। सो पॉइंट यहाँ पे यही है कि सिंपल स्ट्रेटेजी है, 20+20 लगाना है, और उधर अगर दो पांच सात सवाल अच्छे से सॉल्व कर देते हो तो आराम से 130 135 तक खींच सकते हैं अपन नंबर, ठीक है। उसके बाद में जो लेक्चर होगा, हर दिन लेक्चर जो होगा वो सुबह 7 बजे आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। 5th of October से जैसे शुरुआत हो रही है तो 5 तारीख से अपन शुरू करके 5th of October, 5th of November और 4th of December को कहानी खत्म हो जाएगी। 3rd of December को 31st का मंथ आएगा ना ये वाला। तो आपका 7 बजे लेक्चर शुरू होगा, लेकिन आपका काम 7 बजे नहीं खत्म होगा, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है आपको। लेक्चर देखने के बाद उन लेक्चर के ऊपर नोट्स और टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और एप्लीकेशन पे। तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट आपको मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर, फ्री टेस्ट होंगे, इसके लिए भी कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। नोट्स आपको मिलेंगे, उनको आपको रीड करना है, इसको मैं बोलता हूँ पोस्ट रीड्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट रीड्स, जो हमारी अलग तरीके हैं थोड़े बहुत डिटॉक्स, बिकॉज वी आर हियर टू डिटॉक्सिफाइंग सम मिथ्स। सो यहाँ पे ये पोस्ट रीड्स हैं जो आपको वीडियो लेक्चर कवर करने के बाद पढ़ने हैं, उनको रिविजन नोट्स के फॉर्म में बनाना है और उसके बाद जाके टेस्ट देना है। टेस्ट जो होगा वो एप्लीकेशन पे होगा, उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, हाउ टू डू द टेस्ट, फ्री टेस्ट रहेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। नाउ हियर द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द 60 डेज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर हो सके तो इसको कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना है, इसको लिख लेना, ठीक है। अगर हम लाइफ साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 13 यूनिट्स होती है, और ऑब्वियसली तुमको पता ही होगा, अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, और एडवांस तो तुमको ऑलरेडी पता है। ये जो 13 यूनिट्स हैं, इसको मैं अपने हिसाब से 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ, जो मैंने अपने प्रेपरेशन में भी करी थी और बच्चों के साथ जब हम पढ़ते हैं तब भी करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिले, मतलब बढ़िया ही रिजल्ट है। पहली चीज है क्लासिकल यूनिट्स, दूसरी है मॉडर्न यूनिट्स, और तीसरी है इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएटी या इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। क्लासिकल यूनिट्स की अगर अपन बात करते हैं तो जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी और एवोल्यूशन, 8, 9, 10, 11, ये 4 यूनिट्स जो हैं आपकी, ये क्लासिकल यूनिट्स होती है, मतलब इनके अंदर क्लासिकल बायोलॉजी आती है। बहुत रीसेंट और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, समझो तुम्हें बात। जैसे अगर पोल पे मैं बोलूं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है और पोल पे टेम्परेचर कम होता है, तो कल को ऐसा नहीं होगा कि 2 साल बाद ये डेटा अचानक से बदल जाएगा और पोल पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, इक्वेटर पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अर्थ की बात कर रहा है ना, समझ गए ना। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। ऐसे इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम हॉर्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो कहाँ पे इक्वेस और कहाँ पे मीज़ोचिम्पस वगैरह के बारे में बात करते हैं, है ना, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। सेम विद द ह्यूमन, सेम विद द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, डेवोनियन पहले आया, सिलूरियन पहले आया, ऑर्डोवीशियन पहले आया, या कौन किस में था, एजेस ऑफ किसकी थी, जुरासिक में क्या हुआ, ट्रायसिक क्या था, तो ये सब क्या है, क्लासिकल फिक्स्ड है। तो इस पे क्वेश्चंस इजी भी बनते हैं और ज्यादा गलतियों के चांसेस नहीं होते हैं इसके ऊपर। बट इसके विपरीत मॉडर्न यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे पास में बायोकेम, सेल बायोलॉजी, ये सेल बायो की दोनों यूनिट्स हो गई, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन द फंडामेंटल प्रोसेस व्हिच इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर, अप्लाइड एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। तो इसी का थोड़ा बहुत हिस्सा आपका यहाँ RDT में आ जाता है। और कहने का मतलब ये है कि ये यूनिट्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर के लिए कोई नया जीन आया, कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी पे कोई क्वेश्चन आया, सपोज करो कि PARP पे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो PARP का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है, विच इज द पॉलीमरेजेस, है ना, आई थिंक पता होगा तुमको ये। तो कैसे आप BRCA के लिए आप इम्यूनोथेरेपी करते हो, कार टी सेल्स क्या होती है, तो ये बहुत रीसेंट है, आप एकदम से नहीं समझ सकते हो अगर आपने रेफरेंसेज या रिसर्च पेपर नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मॉडर्न यूनिट्स, ज्यादातर लोग, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर लोग इनको बहुत हवा बनाते हैं इसकी, कि सेल बायो मोल बायो पढ़ के चले जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई कैन गारंटी एक मास्टर्स के बच्चा CSIR NET के सेल बायो मोल बायो के पेपर में 50% से ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, एंड दिस इज रियलिटी, नो वन विल टेल दिस, बट दिस इज द रियलिटी। आप कितनी भी तैयारी करके चले जाओ, 50-60% से ज्यादा एक्यूरेट कर ही नहीं सकते, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, द रीसेंट एडवांसमेंट्स, और यहाँ पे होंगे ही। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमको इन दोनों का क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। ऑल्दो हमारे पास में फिर 3 यूनिट्स और बच जाती हैं, और वो 3 यूनिट्स होती है हमारी डेव बायो, जिसके अंदर प्लांट एनिमल दोनों है, फिर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, एंड देन द एनिमल फिजियोलॉजी। ये जो 3 यूनिट्स हैं, ये इन दोनों यूनिट्स का मिक्सचर है। तो अगर आप इन दोनों यूनिट्स को ढंग से समझ पाओगे तो आपका फिजियो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों में, इन मॉडर्न या क्लासिकल में से किसी में भी लैग करते हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत तो आपको जाएगी, ठीक है। जैसे आपको अगर एंजाइम समझ में नहीं आता है इधर, और आपको इधर जेनेटिक अरेंजमेंट समझ में नहीं आता है क्रोमोसोम और जीन्स का, तो आपको यहाँ पे फिजियोलॉजी में डिजीजेस समझने में प्रॉब्लम आ सकती है।
आई होप तुम समझ पा रहे हो। यहाँ पे जब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं और जब हम फिजियो में आके उसके एपिथेलियल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करके उसका कार्सिनोजेनेसिस समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये चीज समझ में आती है कि कैसे ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि पहले आपके ये दोनों बेस बहुत तगड़े तैयार होना चाहिए और उसके बाद आप इंटरमीडिएट पे काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को डेव बायो इसीलिए बहुत टफ लगती है क्योंकि उनके या तो मॉडर्न में बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ होती है या फिर क्लासिकल सेगमेंट में बहुत गड़बड़ होती है। यूजुअली इन यूनिट्स के लिए जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना बन जाता है। बट सवाल उठता है कि अब 90 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 90 भी नहीं बचे हैं, तो मैं बोल के चलता हूँ अभी के 3 महीने के आसपास समय बचा है, इतने बड़े सिलेबस को वाइंड अप कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद दिस वास्ट सिलेबस इन जस्ट 90 डेज। सो पहला फर्स्ट थॉट तो मैं, अगर मैं एक प्रिपरेटिव स्टेट में हूँ, तो मैं तो ये बोलूंगा कि यार पॉसिबल नहीं है। बट फिर थोड़ा थोड़ा करके तो हाथी भी खाया जा सकता है, तो हम वही करेंगे, है ना। देखो इसका आंसर सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट को 4 से 5 दिन में कवर करेंगे। मेन टारगेट होगा 4 दिन में कवर करना, बट कुछ केसेस में 5 दिन तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट एंड ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो अगर हम 4 दिन में यूनिट्स को कवर करेंगे तो हमारा 52 डेज में सारी कहानी खत्म हो जाएगी, और 5 दिन में जाते हैं तो हमने 65 डेज लगेंगे, इसीलिए हमने एवरेज रखा है कितना, 60 डेज। 60 डेज में हमारा 13 यूनिट्स पूरी कवर हो जाएंगे। हम जो प्लान रखेंगे वो ऐसा रखेंगे कि एक क्लासिकल यूनिट करेंगे और उसके बाद एक मॉडर्न यूनिट करेंगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं तुमको हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रखना चाहता हूँ। व्हाई कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड? अगर मैंने तुमको जेनेटिक्स पढ़ाई फॉर एग्जांपल, और उसके बाद में सीधा मैंने तुमको इवोल्यूशन पढ़ा दिया या इवोल्यूशन 11th है, तो बेसिकली तुमको यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझ में तो बहुत अच्छा आएगा, बट ये जो टाइम पीरियड है ये समझने का नहीं है, ये है आपको ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, समझने का टाइम तो गया, आप 3 महीने में क्या समझोगे, कितना रिवाइज करोगे उसको, तो बेसिकली आप समझ तो पहले ही चुके होंगे कि जेनेटिक्स में कैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स में काम करता है, हार्ट रिदम में एलेलिक फ्रीक्वेंसी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी वो कैसे काम करती है। ठीक है, डायनेमिक क्रॉस वो क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है कि एक क्लासिकल करेंगे फिर एक मॉडर्न करेंगे, तो इससे क्या रहेगा, हमारा वो बैलेंस बिल्ड होगा और तुमको इंटरकनेक्शन समझ में आएंगे लेक्चर्स के दौरान कि हम कैसे इंटरलिंक करते हैं चीजों को, हाउ अ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज एक्चुअली वर्किंग इन सम प्रोटीन फोल्डिंग फिनोमेना और एंजाइमेटिक काइनेटिक्स ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये दोनों पॉइंट्स को एक साथ चलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा पेन स्टेकिंग होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज ज्यादातर तुम लोगों को जो कोचिंग पे भी पढ़ाया जाता है वो एक फ्लो में पढ़ाया जाता है कि पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दो फिर सेल बायोलॉजी फिर ये और फिर वो। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम अपनी कोचिंग पे भी यूजुअली फ्लो में ही पढ़ाते हैं क्योंकि वहां पे टाइम होता है, यहाँ पे टाइम की कमी है। दूसरी चीज, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पोस्ट रीड्स और लेक्चर देने कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देना ही देना है, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट एस्केप इट, बिकॉज यहीं पे आपको चीज समझ में आएगी कि वो लेक्चर और वो पोस्ट रीड ढंग से हुई या नहीं हुई। आफ्टरवर्ड्स जो स्पीड होगा लेक्चर का, जिस स्पीड से मैं पढ़ाऊंगा या जो स्पीड का लेक्चर होगा वो बहुत तेज होगा क्योंकि हम एक बहुत ही स्पीड वाले कोर्स में हैं और 30 मिनट के आसपास 30 से 40 मिनट में लेक्चर खत्म होगा, बट उसको आपको डाइजेस्ट करने में 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, एंड इट्स टोटली फाइन। अगर ज्यादा टाइम लगता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लेक्चर आपने यहाँ पे खत्म कर लिया है फिर आपको उस लेवल पे उसको तैयार करना है कि वापस उसको वीडियो खोलने की जरूरत ना पड़े, मतलब आप उसको अपने नोट से या पोस्ट इट से रिवाइज करें, वीडियो खोलने की जरूरत ना पड़े, उतना टाइम आप फर्स्ट टाइम में दे दीजिए। ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, इतना टाइम है हमारे पास। दूसरी चीज, फिर अगर इस कोर्स में बिगनर के लिए क्या फायदा है भैया और एडवांस के लिए क्या फायदा है, क्योंकि आप तो बहुत बोल रहे हो कि बहुत तेज पढ़ा दोगे आप, तो फिर हम क्या करेंगे। तो बिगनर्स के लिए बेटा आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है ये आपको बहुत इजीली ये चीज बता देगा कि क्या और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर, समझ रहे हो बात, इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गो विद द सिलेबस, किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए। और एडवांस के लिए तो भैया ये मतलब बिल्कुल, अगर तुमने ढंग से तैयारी अभी तक नहीं करी है और थोड़ा बहुत भी तैयारी करी है तो ये सोने पे सुहागा कोर्स है तुम्हारे लिए। बहुत तेजी से रिविजन, रेगुलर प्रैक्टिस एंड मिस्टेक्स एनालिसिस वाया टेस्ट, और ये सब कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मतलब मजा नहीं आ रहा तुमको सुन के, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें हैं, तो अगर आप बिगिनर हो तो यू शुड नॉट लीव दिस कोर्स, बिकॉज इससे आपको अगला अटेम्प्ट जो आपका जून अटेम्प्ट अगर है
तो मैं आपको एक चीज क्लैरिटी से बोल सकता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस पे बोल सकता हूँ कि आपको ये जून अटेम्प्ट में यही कोर्स मिनिमम 50-60% सिलेबस कवरेज दे देगा जो आप खुद तैयार करोगे, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है ना। उसके बाद में अपन आ जाते हैं थोड़ा और, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड नॉट ज्वाइन दिस कोर्स इफ यू कैन नॉट मेंटेन द कंसिस्टेंसी वाइल वॉचिंग द लेक्चर एंड गिविंग द टेस्ट। अगर आप ऐसे बंदे हो जिनका अटेंशन टाइम बहुत ज्यादा ही कम है, आपको शॉर्ट्स और रील्स देखना पसंद है, तो आप किसी भी चीज का प्रेशर मत लीजिए, आप शॉर्ट्स और रील्स ही देखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे भला नहीं होगा यार बेटा, देखो सच बताऊं, आपको मेहनत करना पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे, तो आपको पूरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, नोट्स वगैरह बनाने होंगे, पोस्ट रीड्स करना होगी और टेस्ट भी देना ही होंगे। दूसरी चीज, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये सीरीज आपको मदद करेगी, तो भी आपको इस सीरीज को देखना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट ज्वाइन दिस। बिकॉज अगर आप प्रॉपर तरीके से बिलीव ही नहीं करोगे अपने वर्क के ऊपर या इन सीरीज के ऊपर, तो फिर ये आपको बेनिफिट देते हुए भी नहीं दे पाएगी। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, यू हैव टू बिलीव। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से बिलीव कर लो, दो तीन लेक्चर्स देखो, उसके बाद में डिसीजन लो कि इज दिस फ्रूटफुल और नॉट। नहीं लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड कमेंट्स में है ही, आप बिल्कुल वहाँ पे सजेशन भी लिख सकते हो अपने, वी विल डेफिनेटली हिट टू इट। एंड देन लास्टली, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयार हो और आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सीरीज देखने का। आराम से एंजॉय करो, अपना रिविजन करते रहो, मत देखो सीरीज, आराम से अपना काम करो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। प्लीज कंटेम्पलेट ऑन द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंड विल सी यू इन द सीरीज। थैंक यू फॉर योर टाइम।